नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में कनेक्टिकट शहर के एक घर में फायरिंग, पार्टी के दौरान दो संदिग्धों ने घर में घुसकर बरसाई गोलियां, एक की मौत, 13 जख्मी। सोमालिया के गालके उस शहर के सरकारी मुख्यालय और बाजार में आत्मघाती हमला, 17 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी। अलकायदा से जुड़े अलशबाब समूह ने ली हमलों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बीते दो दिनों में 175 से ज्यादा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने की पुष्टि। काबुल में स्टोर पैलेस के उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को सराहा। सऊदी अरब में फंसे बेरोजगार भारतीयों से सुषमा स्वराज की अपील, कहा जल्दी घर वापस आए, सरकारी खर्चे पर घर वापसी का दिलाया भरोसा। पाकिस्तान में कांगो विषाणु का कहर, मरने वालों की संख्या 19 पहुंची, स्थानीय अस्पतालों में बीमारी से निपटने के लिए स्थापित किए गए अलग वार्ड। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।